मेरे राम राय संतां का संत तेरे, मेरे राम राय संतां का संत
का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। I'm not afraid.
ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਕਲ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਤਾਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੁਨੈਣ ਮਲਾਏ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਕਾਰ ਪੈ ਗਈ ਫਰੀਦ ਰੱਬ ਰੱਬ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਦਾ ਏ ਦੀਵਾਨੀਆ ਯਾਰ ਦੀ ਦੀਦ ਬਦਲੇ ਰੱਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦਾਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में लगा के सबलिया करन दी खेचला जनी कृपालता कर रहा है। उत्थे रबी अवतार गुरबाणी ने फैसले दिते ने साध रूप अपना तन धारिया, सारे पढ़ो साध रूप अपना तन धारिया। परमेश्वर जदों भी किते आया मैं उस महान हस्ती की गल करने वास्ते जा रहा जिन्हां नूं पुछ के जिन्हां दा हुक्म लै के राणा साहब तू रुत्तां तुरदियां सन। सवेरे बड़ी गर्मी सी, मैनू कईयां ने आख्या बाबा जी गर्मी बड़ी है। मैं क्या गर्मी की तुसीं देखियो कि थोड़े ही समय दे विच माफ करना सारे मौसम बदल जाने ने। जिथों जिन्हां दा हुक्म मन के रुत्तां तुरदियां सन, जिन्हां दी दरगाह दे विच चलदी सी, जिन्हां दा गुरबाणी दे विच आउंदा जिसका किया दरगह चलदा, किसे दी थाने च बड़ी चलदी है, किसे दी SSP कोल बड़ी चलदी है, किसे दी DIG कोल, IG कोल, किसे दी किसे अदालत च, किसे दी किसे DGP कोल, किसे दी किसे चीफ मिनिस्टर कोल बड़ी चलदी है, किसे दी प्राइम मिनिस्टर कोल, प्रेजिडेंट कोल बड़ी चलदी है। पर संत बाबा ईशर सिंह ओ महापुरख सन जिन्हां दी गुरु नानक दे घर विच पूरी चलदी सी। जिन्हां दी पई नजर भला तुहाडा हो जाणा, ओह धरती जिहदियां गलियां दे विच कदे निरंकार गुरु की संगत अपनियां मौजां दे विच, जिथे दियां गलियां दे विच निरंकार संत बाबा ईश्वर सिंह दे रूप विच मन करना चोज करदा फिरदा सी। इह पवित्र धरती आलोवाल दी मन करना, मैनूं कई कहिंदे संतां दी बड़ी बड़ियाई करदे, गुरबाणी ने संत की माँ की वड्याई की है। तीन धन जने की माओ आए सफल से, गुरबाणी ने संत के पिता की बड़ी वड्याई की है। धन जनी जन जाने जाया धन पिता प्रवान प्रधान, गुरबाणी ने संतां की कुल की वड्याई की है। कबीर सोई कुल तरी कुल भली, जे कुल हर को दास, माफ करना संतन गुरबाणी ने उस नगर की वड्याई की है जिथे महापुरख अवतार धारण करके आते हैं। तू एक फूल था तेरे जलवे हजार थे, तू एक साज था तेरे नगमे हजार थे। किनू सुनाइए खोल खोल के, एक पिक्चर आई सी 1970 के, नाम सी शिकार करने को चले थे, शिकार हो के चले आए पढ़ने वास्ते समोदी कॉलेज पटियाले, पर संतां ने मरीद बन के रह गया खालसा जी सदा नहीं। माफ करना संत बाबा ईश्वर संतराड़े वाले, ये वक्री है गल। अज भी सानू भावना की लोड़ है, शरदा की लोड़ है। गुरबाणी ने फैसले दिते ने जन्म मरण दूह मैं नाही। इत्थे दिन चढ़े है, अमरीका फोन करके देखो, कनेडा फोन करके देखो, उत्थे रात पई है। आपां सूरज दे छिप जाण ना कहिंदे आ कि सूरज डुब गया, सूरज छिप गया। सूरज ना कदे डुबदा ते ना कदे छिपदा ते ना कदे सूरज निकलदा, सूरज हमेशा आकाश रहिंदा। महापुरख इस मात लोक की धरती से 70 वर शरीरक उम्र शरीर में रह के भी वह सचखंड तू आए, इत रहे भी सच, इतने रह के भी सचखंड रहे। माफ करना बकुंठ नगर जै संत वासा, जिमें मलाई दुध तू पैदा होंगी है। एक बार कह दो वाहू, मलाई दुध तू पैदा होंगी है, पर मलाई दुध तू पैदा होकर दुध के उत्ते रही है। महापुरख इस संसार में आके उन्होंने सुरती बिरती माफ करना वह संसार तू निर्लेप रेंदे ने। पानी ने तो इतने कह इतने तक फैसले दिते ने, जिहड़ा शख्स मैनू संत जी के चरणों लै के गया, मैं बड़ा कट्टर सी। वेयर द क्वेश्चन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, मैं क्या करता कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु आ, गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु आ, मैं नहीं किसी संत नूं मंदा। एक दिन मेरा उन्हां निंदकां वाला हाल सी,
जेड़े अज संतां दी निंदा करदे ने। मुकदी गल की, मैं क्या, मैं नहीं किसी संत नूं जाणदा, मैं नहीं संत नूं मंनदा, पर महापुरखां दी कृपा नाल उहनां समें च कई गल्लां दसण वालियां नहीं, 47 बाणियां मूंह जबानी कंठ सन। जिहड़ा शख्स मैनूं संतां दे चरणां च लै के गया, मैं पुछ बैठा, पर बाणी पढ़न दा अंदाज सी ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। जदों बाणी पढ़नी इत्थे आके रुक जाना, अंदरों आत्मा कहिंदी सी मान सिंह कोई वस्तु है जिहड़ी तेरी समझ तों परे आ। गुरु ग्रंथ साहिब दे इक सहज पाठ दा भोग पाउणा, जदों इत्थे आउणा रुक जाना। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी पूंजी, एक पासे गुरु ग्रंथ साहिब ते होना भी साडा सारिआं दा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब साडे गुरु ने, जिहड़ा इहदे ते शंका करदा उहदा भला दा की होना, वह नरकां दा अधिकारी है। पर यह भी सच्चा सज्जनो, गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण गुरु है, पर इस गुरु ग्रंथ साहिब की समझ संत बाबा ईशा सिंह वर्गा पूर्ण संत बिना आ नहीं सकती। पूर्ण संत तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब की समझ आ नहीं सकती। जिहड़ा शख्स मैनू लैके गया, मैं क्या जी मैं मत्था नहीं टेकना, मैनू लगा कहन, कहिंदा काका गुरु ग्रंथ साहिब की आ, मैं क्या पानी, कहिंदा किन्नी खीर, उहने मैनू दलील दिया के ढाया 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब का। कहन लगा भी गुरु ग्रंथ साहिब का 1430 अंग, कहिंदा अंग उदू बने जदों बाणी लिखी गई। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। कहन लगा जे एदा वड्डी वड्डी कोई कागजां दी किताब होवे उहदे विच बाणी ना लिखी होवे तूं उहनूं गुरु मनेगा? मैं क्या नहीं मनांगा, असीं तां बाणी नूं गुरु मनदे हां। कहन लगा 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी का, असीं बाणी नूं गुरु मनदे हां। मुक दी गल की, लगा कहन कि जेकर ए नहीं बाणी किसी महापुरख नूं मूंह जबानी कंठ होवे जां महापुरख दे अंदर होवे ते उहनूं की मनेगा? मेरे कोल जवाब नहीं आया। मैं कहा जी मैं चलूँगा, मेरा गुरु किशन पटियाले तो रड़ा साहब नूं जाना। एक बारी सत्संग जी कह रहे वैरग धारना भी पढ़ लो, ते महापुरख कीर्तन कर रहे सन, जदों दर्शन कीते दर्शन करदे सारे जैसा सुनिया सी सतगुरु मेरा मैं अखा नाल वेख लिया। ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
मंजिल से पहुंच गए हैं। दूजे दिन पहले दिन को वचन करने का मौका ना मिलया, दूजे दिन महापुरुखों की कुर्सी लगी थी। सारे पढ़ो
चरना बताना उत्ते कौन फेल हुंदा है कौन पास हुंदा है ये तो पता लगता इम्तिहाना उत्ते दाने दुश्मन से कर इतबार लिये इतबार करिए ना कदी सियासत दाना उत्ते किसे ते गिला की करना गल खिड़ गई जदू जहाना उत्ते मैं पुरख की करता हूं बेनती की जी ऐनिया बाणिया पढ़ता हूं जाप करता मी महीने के बेच के सह पाड़ता भोग भी पाँगा थोड़ी कृपा न संत लगे कड़ काका अजा तो तू तुरिया भी नहीं अजा तो तू तुरिया भी नहीं दिन रात सूरज नहीं
चक्कर चांगी मी वर्ष चक्कर चांगी मी वर्ष चक्कर चांगी
पंडित एक सी जट ते एक सी काजी तिना ने मिल के खीर का वड्डा जिहा पतीला बना लिया। इन्हां तिना ने फैसला किया पंडित भी सोचता जट नूं चंगा सपना नहीं आना। काजी कहिंदा इहनूं भी नहीं आउण जट नूं चंगा सपना नहीं आना भी सवेरे उठ के खावांगे। कह लगे भी सब माफ करना खीर वह खाएगा जिन्हों सपना चंगा आएगा। खैर खीर का पतीला बना के उपर रख के कपड़े वगैरह ढक गए ना तो तिने सौ गए। अद्धी रात हुई तो जट उठिया। जब जट उठा ने चक्या ढक्कण खीर खानी शुरू करती तो मैं थोड़ा समा दवाने पे खीर इधर गई खीर आ। जय कीर्तन तेरा साधू गावे। वो जट नू कहते खा खीर कहना मैं नहीं कह माफ करना जट जू लगा खीर खान। खीर खा खूह के पतीला मांज के रख दिता। जो पतीला रख दिता दिन चढ़िया काजी ते पंडित उठे लगे कहन भी पंडित जी कहने काजी जी आपको क्या सपना आया। वो कहना आपको क्या आया। पंडित जी कहने लगे रात को मेरे को देवते लेने आएगी स्वर्ग लोग मिलने गए वहां पर बड़ी परियां देखी बाग बगीचे देखे बड़े सुख देखे। कहना भी सपना तो तेरा बहुत अच्छा है। ओ पंडित कहना काजी जी आपको सपना। कहना मेरे को फरिश्ते पकड़ के ले गए रिश्तों में वहां पर उस बूरों ने मेरी बड़ी सेवा करी ये किया वो किया। ओ माफ करना पंडित कहना भी सपना तो तेरा भी अच्छा है। कहना जट से पूछो। जो जट नू लगे पूछन जट कहना अद्धी रात आ गए जम मैनू कहते का बदल तू डरते मैं तुम बदल दे डर गए तुम तो उन्होंने ला दो खाओ। कहना मैं कहते खा खीर। कहना मैं क्या मैं नहीं खानी मेरा दो साथी मैं कुटन गए मैनू कह कहना आना मैं कुटिया कहने खा खीर। मैं क्या तक तो पतीला रेह दो। कहना मैं कुट 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 के सारा पतीला ही खाता। वो कह लगे सपना ओदू बाद कर तुझे खीर नहीं मिलेगी। कहना नहीं मिलेगी तो ना मिले। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਤੀਲਾ ਤੇ ਪਤੀਲਾ ਪਿਆ ਖਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਵਾ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਵਾ ਗਏ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੱਜਣਾ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਮਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬੱਲੇ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬੱਲੇ we'll be right back.
बड़ी औखी गल है खालसा जी, बहुत औखी गल है। पर जाओ महापुरखां दा सरूप दा ध्यान करके कहने आ, अज दे कीर्तन दा महापुरखां दे हाजरी भरन दा और तुहानू फल मिलूगा खालसा जी। कीर्तन कीर्तन भावें तुसीं रोज सुनदे हो, पर अज महापुरखां दे थान ते जो तुसीं हाजरियां भरन वास्ते आए हो दूरों नेड़े चल के, महापुरखों की इनी कृपा होगी और जुड़े रहो आदोवाल पुत्र स्थान के नाल और तुहाडे घरों दुख उड़ जाएंगे, गरीबी खंभ ला के उड़ जाएगी। मैं कहना आप बड़े भागा वाले हो खालसा जी, और तुहाडा भला तो कितने ये तो बड़ी मामूली जी गल आदोवालियों के लंघ जाएगा वह भी बेड़ा पार, क्योंकि नगरी पवित्र चित्र मैं दूर नहीं जाना चाहता। संगतन बेनती करदा कि अजे कीर्तन चार पांच बजे तक चलना, आप जी सारे ने हाजरी भरनी है। तो दूजे नंबर ते काफ़ी राशन पे है, ठंडे तो आइसक्रीम पईयां तुसीं सारियां सारे ने खा के जाना, छड़ के ना जायो, सारे ने छक के जाना। मेरे कोई शब्द नहीं मैं तुहाडा धन्नवाद कर सकां, पर मैं आप जी सारिआं नूं इस गल की बधाई दिंदा कि जिहड़े जिहड़े तुसीं दूरों नेड़े हो, संत बाबा ईश्वर सराड़ा साहब वाले उन्होंने पावन पुत्र प्रकाश दिवस ते हाजरियां भरन वास्ते आए हो, यह समा तुहाडा दरगाही समय नाल नाल चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला समा कोई ज़्यादा लग गया होना बाबा जी, मैं माफी मंगदा, लग जाया करता बारिश का बड़ा जोर सी, पर बारिश अपनी था जी अड़ी रही, तुम अपने था खड़े रहे जिधर रहे, गुरु की तुहाडे बड़ी कृपा है। तुहानू वेखन तो पता लगता कि सचमुच तुम महापुरखों की संगत करते हो। बुलाओ फतेह जी, वाहगुरु जी का खालसा। महापुरखा धनबाद इन्होंने नाल संत बाबा मोहन सिंह लंगड़ा वाले जो उस महान पावन पवित्र स्थान पर बड़िया सेवावान निभा रहे हैं, उन्होंने बेनती है कृपा करके वह भी गुरु घर की बख्शिश सिरों पर लैन की कृपालता कर। संत बाबा मनमोहन सिंह जी ढेबे वाले जो नेड़े ने तो गुरु घर की बख्शिश लैन। बोले संत बाबा कशीरा सिंह जी कार सेवा वाले उन्होंने बेनती गुरु घर की बख्शिश लैन। बोले